अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं सब्सक्राइबर्स? आप सब ठीक हो? आज हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली कोई मेरा फ्रेंड नहीं मौजूद कैमरा के यूज़ के लिए, इसलिए मैं अपनी वीडियोस खुद बना रहा हूं अभी। और अभी मैं विज़िट करने आया हूं ये सियालकोट, पाकिस्तान का एक ब्यूटीफुल सिटी, जो मेरा अपना होम सिटी सियालकोट है, उसका एक और विलेज। और वो विलेज है कमावाला। कमावाला से ये जो रोड है ये आगे बॉर्डर की तरफ जाता है, एक रोड डलवाली की तरफ चला जाता है और दूसरा रोड सामने सीधा जो गांव है गामुकर उसकी तरफ चला जाता है, जिसको कादराबाद भी कहा जाता है। अभी आप देख सकते हैं वो पीछे मेरी बाइक है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अभी मैं अकेला ही यहाँ पे आया हूँ जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अपनी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको थोड़े से और व्यूज़ दिखाएंगे इस गाँव के, फिर थोड़ी सी एक महफिल दिखाएंगे जो लास्ट वीडियो में भी आपने देखी होगी, और जिसमें वो एक डॉगी वाला भी सीन है वो सारा आपने देखा होगा। तो इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं, आगे वीडियो बनाएंगे और आगे जाके तो आपसे साथ साथ बात करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम अ ब्यूटीफुल व्यूज। ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं, विलेज लाइफ है ये। विलेज लाइफ मुझे शुरू से भी बहुत पसंद है। और ये देखें यहाँ पे ब्यूटीफुल व्यूज़ और ये गांव साथ, और ये गांव का कब्रिस्तान है, देखें कितना प्यारा इन्होंने ये सारा कुछ बनाया हुआ है, अंदर से साफ सा है। और ये हमारी बाइक खड़ी है और हमें यहाँ से इस साइड से हम लोग आए हैं। ये विलेज है, एक मेरे फ्रेंड का विलेज है गामूगढ़। यहाँ से ये सारा आप देखें व्यूज। और यू नो विलेज लाइफ बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफ है, लोग यहाँ के बड़े सपोर्टिंग और साथ देने वाले हैं, सारे एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं। सिटीज़ में ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम होता कि हमारे साथ कौन रह रहा है, वहाँ पे हमारे नेबर्स कौन है यहाँ पे, और अमूमन ऐसा होता है सिटीज़ में। लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और यूजली ये सारे आपस में इनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं। और ये यहाँ पे आप ये देखें, ये लोगों की फसलें भी हैं साथ साथ, जो गांव के साथ ही विलेज है वहाँ पे है। ब्रेड मिट देंगे चले भी जितना हार के ना एक दिन लती किचन भी सही है बहुत ज़्यादा तो लिखने को नहीं हुआ बिल्ली ने तो जी। गाइस कैसे हैं आप सब? मैं अर्जू भाई अपने का वेट कर रहा था काफ़ी देर से, और ये अब आए हैं देखेंगे। ये बंदा जुगाड़ कर रहा है शीशा पीने के लिए, इन्ना जुगाड़ तो कभी रोटी नहीं किया इन्हें। यार भाई कोई ने रखे थे चूल्हे पे, कैसे लगी गैस देखे पाकिस्तान
जदू का थोड़ा नवाज शरीफ गंजा आया ना शहबाज शरीफ, ना बिजली आती है ना गैस आती। चलो कोई बात नहीं, कल इलेक्शन होने वाला है और देखते हैं शहबाज शरीफ का क्या हशर होता है। और उम्मीद तो है कि इमरान खान साहब सीटें जीत जाएंगे अपनी, अल्लाह खैर करे, और ये पठान जी फिर खुश हो जाएगा। भाई देखें, और इनके नाना वो पीपल्स पार्टी सियालकोट के सेक्रेटरी हैं, ज़िला सियालकोट, उनका नहीं, नाम मैं वो वाला नहीं जी नहीं मैं वो वाला नहीं जी ये इनका नाम, उनका नाम है शहबाज खान साहब। और ये देखें ये कैसी हरकतें करता है ये इंसान, क्या पा दिया बोतल में यार। वो आपका दोस्त की तरह है वो कुत्ता और यार वो तो कुत्ते की आवाज निकालता है, वो दुकान भी होगा अपनी। ये पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा वो दोस्त जिसका कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा था, और बेचारा कुत्ता बैठा हुआ है जिसकी वो आवाज़ निकाल रहा था। इंशाल्लाह स्टे ट्यून रहिएगा साथ साथ। अभी बिजली नहीं है, बिजली है लेकिन गर्मी है थोड़ी सी, और पंखा हमने नहीं चलाया हुआ। बहुत टाइम बाद ये शीशा ट्राई किया है, वैसे ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन पहले मैं बहुत पीता था स्कूल लाइफ के बाद, तो उसके बाद से मैंने नहीं पिया। अब ये आज ही है थोड़ा सा ऐसे ही फन के तौर पे, वरना ये पीना नहीं चाहिए, और आप ये बिल्कुल मत पीजिएगा। और ये जस्ट फन के तौर पे फ्रेंड्स में बैठ के मजाक हंसी बस, और इसके अलावा कोई मैं इसका आदी नहीं हूँ, ना कोई ऐसी मुझे टेंशन परेशानी है कि मैं उसको दूर करने के लिए ये पीऊँ। तो आपने ये बिल्कुल नहीं पीना गाइस। अभी हम अर्जू भाई के गांव में हैं, और ये हमारे सामने बैठ के अभी शीशा पी रहे हैं, और इनका टैलेंट और किसी चीज़ में नहीं है सवाई शीशा पीने के। और जो शीशा पीने में इनका टैलेंट है ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप ये क्या कर रहे हैं, यू आर सो टैलेंटेड। अभी देखना भाई, अभी एक और चीज करेंगे, लेकिन ये सिर्फ इनका टैलेंट शीशे में ही है। वेल डन, कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भाई अच्छा टैलेंट है आपका यार, ये कब से सी कर रहे शीशा पी रहे हैं आप? मैं नहीं बताऊंगा। ये आपने कब से सीखा है? ये भाई काफी देर हो गई, अब तो काफी देर हो गई। ठीक है ठीक है। दरअसल ना आपके व्लॉग बहुत लोग देखते हैं, तो मैं सिक्योरिटी लीक नहीं करना चाहता। इनकी फैमिली मेंबर्स देखते हैं, और आगे मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कौन देखता है, कि फिर मसला हो जाएगा। डरपोक बच्ची भी देखती है वो, बस है कोई भी देखती है। और ये देखें उसके नाम से मुस्कुराहट आ गई इनके चेहरे पे। मुस्कुराहट ही मेरा हाथ सारी कर जाता है। ये खुद पिए जा रहे हैं, एक ये बंदा ऐसे बैठा हुआ फारग, और एक मैं बैठा हूँ। क्या कौन बैठा हुआ है? ओए भाई जानी भाई बैठे हुए हमारे। अच्छा मैं समझे पशु का आया आपने। ये भाई जानी को पशु कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। आप क्यों नाम डालते हैं उनका यार उल्टा? भैया आपने नाम रखा भाई। मैं नहीं रखा, आप कह रहे हो। एक का पशु और दूसरे का क्या नाम रखा हुआ? उसका तो मैंने रखा हुआ हाथी। हाथी देखा, उसका हाथी मैंने रखा हुआ। इसका भी नाम आपने रखा हुआ? नहीं नहीं भाई, वो तो डरपोक सा बंदा। वेरी गुड यार, यू आर टू मच।
गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं अब, क्योंकि रात के अभी बज चुके हैं 1 और अब मैं इधर से घर जाने लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये भाई देखें सोने की तैयारियों में, बाय बाय सबको। ये भाई हैं हमारे भाई, ये जरिया भाई हैं, ये कुछ ना कुछ कहता रहता है। इंशाल्लाह।